हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदि देव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको होई माता की कथा सुनाऊंगा। होई माता का व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए और स्वास्थ्य के लिए करती हैं। होई माता का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। ये व्रत तकरीबन उसी दिन होता है जिस दिन दीपावली होती है। आज मैं आपको होई अष्टमी की कथा सुनाता हूँ। होई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को सातें बहुएं अपनी लौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं साहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसने लड़का होता 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी से पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुराई गाय की पूजा किया करो। सुराई गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुराई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है, एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता इससे बोली, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। तब गौ माता समुंदर पार अपनी भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर झाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। मैं बोली, सात समुंदर पास सौ माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर सौ माता के पास पहुंचा दिया। सौ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन सिर में बहुत जूं पड़ गई है। तब सुराही के कहने पर बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, क्यों क्या बात है। तब वह बोली, वचन दे तो बताऊँ। साहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड का कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन साहू माता बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तुम जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घाई आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई,
उसने सात होई बनाई, सात उजमन किए तथा कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोक कैसे छुड़वाई। मैं बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, सो मैंने कोक बंधा ली थी। अब सहु माता की कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। सहु माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोक खोली, इसी प्रकार हमारी खोलियो, कहने वाले तथा सुनने वाले तथा सर्व परिवार की कोक खोलियो। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर